ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ स्लिमिंग पर भी आपने पढ़ा है, काम किया है, और ख्वातीन का तो ये पसंदीदा टॉपिक है, हर लड़की को ये ख्वाहिश होती है कि वो स्लिम हो, प्रॉपर शेप में उसकी फिजिक हो, उसकी बॉडी हो, थोड़ी भी अमल नहीं करती ना। जी ख्वाहिश है, अमल नहीं करती, अमल नहीं करती, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बर्गर चल रहे हैं, पिज्जाज चल रहे हैं, शॉर्मे चल रहे हैं, भाई हम पतले नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? चाय पीनी है तो दो चम्मच चीनी डाल के पीनी है, लेकिन हम पतले नहीं हो रहे। तमाम ख्वातीन क्या कहेंगे, तमाम ख्वातीन को, बल्कि अल्फाज वापस लेता हूँ, ख्वातीन नाराज हो जाएंगी, तमाम गर्ल्स को, ओके तमाम गर्ल्स को मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ जी, जुबान का चटखारा बड़ा अहम है, जो आपको जो आपने मिसालें दी है उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि सबसे ज्यादा मजा जो है वो फिट रहने में, कभी ट्राई कीजिए, इससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है। ठीक है, बर्गर खाने में एक मजा है, पिज्जा खाने में एक मजा है, मगर पिज्जे को ना करने में भी एक मजा है। आई हैव अ सेल्फ कंट्रोल, तुम नहीं छोड़ सकते यार, देखो तुम आम आदमी हो, आई हैव कंट्रोल, मैंने छोड़ा है और मैं देखू मेरी फिटनेस कैसी है, मेरा ये क्या है, मेरा ये, मतलब मजा है। अगर एक दफा आपने फिटनेस के टेस्ट को चख लिया, फिटनेस के टेस्ट को एंजॉय कर लिया, तो आपको इन तमाम चीजों का टेस्ट बुरा लगेगा। एक दफा जस्ट ट्राई तो करके देखें। बिल्कुल सही, सादा सा सूत्र बता देता हूं आपको, जनरल प्रिंसिपल ये है कि जितना आपका बॉडी वेट है मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज है। ठीक है, मतलब अगर मेरा वजन 70 केजी है तो मुझे 2100 कैलोरीज चाहिए इस वजन को मेंटेन करने के लिए। सही सही सही। अच्छा, 50-60 ऊपर नीचे हो जाती है, दैट इज फाइन। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, वो भी खतरनाक, वो भी गलत है। उसके जो आइडियल तरीका ये है कि आप 1/3 को कट करें। ठीक है, अगर मैंने करना है तो मैं 2100 की बजाय 1400 कैलोरीज पे आ जाऊंगा। बिल्कुल, अब 2/3 कैलोरीज मैं बाहर से ले रहा हूँ, 1/3 कैलोरीज मेरी बॉडी में से जो है वो मेरे फैट में से वो बॉडी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से ख्वातीन का आमतौर पे 3 kg पर मंथ और मर्दों का 5 kg पर मंथ तक जो है ना वो इजीली हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, इसमें जब आप साथ एक्सरसाइज को ऐड करते हैं, एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि बहुत टफ, जस्ट आप वॉक करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप सिर्फ डाइट करते हैं तो वजन कम होता है लेकिन जिस्म ढलकने लग जाता है, आपके चेहरे पे नुमाया नजर आता है कि आज मोटी नहीं होती से। अच्छा अच्छा, ये वॉक से बता रहे हैं, किसी भी नहीं, अगर ना करें तो। अच्छा, अगर ना करें, जब आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज ऐड करते हैं तो आपके मसल टाइट होते हैं, मसल टाइट होते हैं, मतलब मसल ढलकते नहीं है, स्किन ढलकती नहीं है, वो टाइट रहती है, आप अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो ये ऐड करें साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर।